मैडम तो कर रही थी अपने घर पे मस्त में मज़े तो मैं भी सोचा कि क्यों मैं पीछे रहूं मैं भी निकल गया मज़े करने के लिए तो सुबह सुबह मस्त में नहा धो के रेडी हो गया था और यहाँ पे नौ बजे ही सुबह इतनी ज़्यादा कड़कती धूप आ गई थी ना जहाँ पे हमेशा इकतालीस बयालीस डिग्री टेम्परेचर रहता ही है तो भाई एक अकेला कूलर है जो कि ना गर्मी में मस्त सहायता देता है तो हैप्पी गाड़ी ले गया था बाहर वो आया तो मैंने देखा गाड़ी थोड़ी सी गंदी थी तो मैंने कहा कि इसे थोड़ा सा साफ सफाई करके थोड़ा सा चमका दिया जाए उसके बाद लगाई मैंने गाड़ी में चाबी सीट गिरी थी उसको साफ़ किया भाई यहाँ पे धूप इतनी रहती है ना इसलिए मैंने फुल स्लीवस पहना था और भाई गमछा भी ले रखा था तो पहुंच गया मैं नानी के यहाँ मार्केट में नानी के लिए लिया मैंने बहुत सारे फल केला ले लिया वॉटरमेलन अनार सेब ग्रेप्स ले लिया था भाई साहब गर्मी इतनी ज्यादा है ना और नानी मेरी बहुत ज्यादा बूढ़ी है तो भाई फल खाएगी थोड़ी सी शक्ति आएगी तो मैंने ये जो वॉटरमेलन था इसे बोला की काट के दिखाओ भाई साहब ये लाल है की नहीं तो इसने काट के दिखाया मुझे लाल था तो सारे लिया फल उसके बाद बैठा गाड़ी पे और भाई साहब यहाँ पे बैठा तो देखा पेट्रोल गाड़ी का खत्म हो गया था पता नहीं कैसे अभी तो भराया था थोड़े टाइम पहले चलो ठीक है कोई बात नहीं होता है तो यहाँ पे मामा लोग ने मेरा स्वागत किया और भांजे कैसे हो तो मैंने बोला मामा जी ठीक है मामा का आशीर्वाद लिया नानी के ऊपर ले जाके मैंने दस किलो का फल ही रख दिया बिचारी मेरी नानी उठ ही नहीं पा रही थी इतना वजन था वो नानी बोली ये क्या लेके आए इसका क्यों जरूरत था तो नी का आशीर्वाद नानी को कहा सब आपके लिए आप, आप उठिए बैठिए मम्मी बैठी थी मम्मी का आशीर्वाद लिया मौसी का आशीर्वाद लिया बड़ी मौसी का आशीर्वाद लिया और यहाँ पे बहन ने भी मेरा आशीर्वाद लिया मेरा आ गया था सुल्तान सुल्तान ने मेरा आशीर्वाद लिया और पूछा भैया आपका हालचाल कैसा है तो मैंने कहा कि सब कुछ बढ़िया सुल्तान अपना बताओ क्या है सुल्तान ने किया भाव भाव और बोला सब कुछ बढ़िया खाली मेरी शादी करा दो तो सुल्तान के लिए कोई लड़की आप लोगों की नजर में तो जरूर बता में मैं और मामा पहुंच गए थे डूबे ढाबा जहाँ की दाल बहुत ज्यादा ही फेमस है ये दाल एक अफलातुन दाल है भाई ये दाल खाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे गर्दी देखिए आप रात के बज रहे साढ़े नौ और इतनी ज्यादा गर्दी है कि सिटिंग ही नहीं मिल पा रही है तो उसके बाद हमने यहाँ खाया हुआ है घर गए आराम किया फिर सुबह उठे मैं और मामा निकल गए तकायदा करने के लिए गाँव का भाई यहाँ पे बचपन में मैं बहुत खेला करता था तो बोला की क्यों ना एक बार जरा घूम के आया जाए यहाँ से देखिए वो दूर मेरे नानी का घर दिख रहा है मैं सुल्तान हीरा मामा जी निकल गए थे मॉर्निंग वॉक पे मस्त मिल मिलो के साथ मॉर्निंग वॉक की बातें बातें की मस्त घुमा हुआ उसके बाद आ गए हम लोग घर पे यहाँ पे देखा आके मामी भी निकाल रही दूध गाय का जो कि हम लोग पी पी के छोटे से बड़े हुए है शादी का घर हो और शिफ्टिंग विफ्टिंग ना हो ऐसा हो सकता है क्या यहाँ पे कोयर काटने वाली मशीन रखी थी जो एक आदमी से बिल्कुल नहीं हिलती है तो इसे चार लोग मिलके उठा रहे थे नहीं नहीं चार नहीं पांच मैं भी हूं देखो थोड़ा थोड़ा वहां पे मेरा ऊपर देखो कोने में हाथ दिख रहा है मैं भी भाई मदद किया मेरा भी नाम आना चाहिए तो बिचारे चार लोग ने बहुत ही जबरदस्त मेहनत की इसे उठा के यहाँ पे साइड में रखा उसके बाद मम्मी और दोनों मौसी मिलकर निकाल रहे थे खेत से घास और ये जो पूरा खेत दिख रहा है ना आपको यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे सब्जियां लगती है ये देखिए नींबू का पेड़ मैं और नानी मिलकर दोनों गिनने लगे थे नींबू तो नानी पहुंच गई थी डेढ़ सौ तो में बोला नहीं नानी एक सौ दस ही है और यहाँ पे ना घर में लग रहा है एसी ये है गोबर की लिपाई आप लोग ने देखा है पहले तो जरूर बताना इससे घर पूरा ठंडा रहता है और जब शुभ का काम होता है इसे लगाना जरूरी होता है उसके बाद मैं और मामा निकल गए थे सब्जी लेने के लिए क्योंकि घर में मेंबर में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो सब्जियां भी ज्यादा लगती है और ऐसी कड़कती धूप में गमछा तो मैंडेटरी है भले ही आपके पास कार हो या ना हो यह है मेरे मामा का लड़का और ये है मेरे मामा श्री हम दोनों फिर वहां से सब्जियां लेके सारे निकल गए और आ गए हम लोग नाश्ता करने के लिए भाई इतनी भूख लगी थी ना सुबह सुबह पूछो तो हमने यहाँ पे खाया घूगरी और ये खाया जलेबी गर्मा गरम भाई मजा आ गया उसके लिए बाद लिया नानी के लिए जूस और नानी को पकड़ा तो नानी बोलती है ये ठंडा ठंडा है मैं बोला नानी ये जूस है आपके लिए और नाना के लिए दोनों जन पी लो दो दो गिलास सबके साथ मस्त टाइम स्पेंड करके समय आ चुका था अब अलविदा लेने का नानी मम्मी मौसी का आशीर्वाद लिया नानी पूछने लगी बेटा तू खाया कि नहीं खाया मैं बोला हाँ नानी मैंने खाया पेट भर के निकला वहां से पेट्रोल भराया गाड़ी में मुझसे मिलकर कैसा लगा अगली वीडियो में आप किसकी आवाज़ सुनना पसंद करोगे जरूर बताना टिल देन बाय 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 बाय